न्यू ब्रांच टुडे नोएडा जो सेक्टर 75 न्यू ब्रांच इन नोएडा सिटी हुई है एंड एज जस्ट डिटेल्ड बाय जोनल हेड इट इज 52nd ब्रांच ऑफ द जोन और स्टेट इट इज 105th ब्रांच फॉर उत्तर प्रदेश बट वी हैव टू जोन्स फंक्शनिंग इन उत्तर प्रदेश वन इज लखनऊ एंड अदर इज नोएडा सो यू ऑल हैव नोटिस्ड लास्ट 2 साल पहले बैंक ने नोएडा जोन सेग्रीगेट करके बनाया कुछ हमारी शाखाएं लखनऊ जोन से निकली कुछ शाखाएं दिल्ली से निकली और ऑलरेडी हम यहां पे लगभग 5,000 करोड़ के बिजनेस को टच कर चुके और बैंक उसी उत्साह से आप सब लोगों के सहयोग से ज़्यादा ब्रांच एक्सपेंशन करेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा बैंक है जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलने में अभी ध्यान दे रही है ताकि हम लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अगर मैं नोएडा जोन के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे 30 सितंबर के पहले आज के अलावा आज हमने ऑलरेडी एक ब्रांच खोली है आज के अलावा 3 और शाखाएं हमारी तैयार हो रही हैं जो नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर उसको इनॉग्रेट होना है और नोएडा जोन के अंदर कुछ शाखा हमारी उत्तराखंड में होंगी कुछ यूपी में होंगी कुछ तो ऐसे इस जोन का जो साइज है टोटल 55 शाखाओं का हो जाएगा 30 सितंबर तक ऐसा टारगेट है और फिर अगले 6 महीने में और 7 शाखाएं खुलने का लाइसेंस ऑलरेडी मिल गया है जोन को तो सिर्फ ये एक जोन की बात नहीं है पूरे इंडिया में हमारे जितने जोन्स हैं बैंक लगभग 50 शाखाएं नेक्स्ट 3 से 4 महीने में खोल नई शाखाएं पूरे इंडिया में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो बैंक एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक इज डूइंग वेरी वेल आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कासा परसेंट है 57% वो इंडिया के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे अच्छा है और कासा करंट और सेविंग अकाउंट का अगर परसेंटेज 57 है तो ये दिखाता है कि कस्टमर का कितना ट्रस्ट है आप सब लोगों का कितना सहयोग है और इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली स्कीम्स में जो कस्टमर की नीड है चाहे वो डिपॉजिट साइड में हो या लोन साइड में हो उसके ऊपर ध्यान दे रही है हर महीने लगभग हम नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट यस्टरडे वी इशूड 1 मोर सर्कुलर कि जितने हमारे हाउसिंग लोन रिटेल लोन से उसका प्रोसेसिंग फी हमने वेव कर दी और MSME के कस्टमर्स के लिए बैंक एक विशेष महास्वागतम स्कीम लेके आई है हमारे MSME कॉर्पोरेट कस्टमर्स को जो दूसरे बैंकों में डील है जिनका वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आए और वो इस स्कीम को चेक करें कि क्या बढ़िया है उनके लिए किस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन दी जा रही है किस तरह के आपको और भी एडेड सुविधाएं दिए जा रहे हैं बैंक से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंक की जो स्कीम है किसी भी तरह का आप देखिए हाउसिंग लोन में अभी हमने जब हाउसिंग लोन अनाउंस किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम थे इट वॉज अ न्यूज़ दैट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ गिवन लोएस्ट रेट इन हाउसिंग लोन सिमिलरली कार लोन MSME लोन किसी भी रिटेल एग्री MSME में आप देखेंगे सभी स्कीम्स है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और इस नई शाखा में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे हम सब लोगों को आपका ऐसे ही सहयोग मिलेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर 75 में ऑलरेडी बैंकों की थोड़ी कमी थी लेकिन पिछले 2 साल में यहाँ पे रेजिडेंट्स 5 गुना बढ़े हैं जो यहाँ का स्टडी है और उन सब इंडिविजुअल्स के लिए बैंकों की शाखाओं का होना पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखाओं का होना बहुत ज़रूरी समझा गया इसलिए बैंक अपनी एक शाखा यहाँ इनॉग्रेट कर रही है सिटी में हमारे ब्रांचेस कई दिनों से चल रहे हैं हमारी सेक्टर 27 की ब्रांच है 62 की ब्रांच है ये सब करीब 15-20 साल पुरानी ब्रांचेस है बहुत एक 20-30 साल से हमारा कस्टमर का रिलेशनशिप है यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से कि आप इसी तरह अपना सहयोग देते रहिए और बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच खोलने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिए लाने में उनका उत्साह बढ़ाइए धन्यवाद